चारधाम देवस्थानम प्रतिबंधन अधिनियम पर कदम पीछे खींचने के बाद प्रदेश सरकार पर भू कानून को लेकर दबाव बन गया है। सबकी निगाहें अब सरकार पर लगी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की है उसने 7 दिसंबर को देहरादून में एक अहम बैठक बुला ली है। इस बैठक के बाद समिति उसे अब तक प्राप्त हो चुके 163 सुझावों पर मंथन करेगी। इस दौरान जन सुनवाई के बाद समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप भी दे सकती है। तीर्थ पुरोहितों की तरह राज्य में कई संगठनों के बैनर तले सशक्त भू कानून की मांग को लेकर लोग आंदोलित हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी भू कानून को चुनावी मुद्दा बना दिया है। आम आदमी पार्टी से लेकर उत्तराखंड क्रांति दल समेत अन्य सामाजिक संगठन भी सरकार से मजबूत भू कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। चौतरफा मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी जीएस गबरियाल और अरुण कुमार ढूंढियाल के अलावा बीजेपी नेता अजय सदस्य हैं और समिति ने लोगों से सार्वजनिक सूचना के जरिए सुझाव भी मांगे थे। अब तक उनके पास 163 सुझाव पहुंच चुके हैं। तो देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम पर फैसला लिया जा सकता है इसी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। इसके बाद भू कानून को लेकर जो आवाज है वो बुलंद होती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम पर कदम पीछे खींचने के बाद प्रदेश सरकार पर भू कानून को लेकर दबाव बन गया है। सबकी निगाहें अब सरकार पर बनी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया था उसने 7 दिसंबर को देहरादून में एक अहम बैठक बुला ली है।